पाएं 1,00,000 रुपए जीतने का मौका। भाग लें आज तक के ऐप के चुनावी पंडित कॉन्टेस्ट में। बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में 70 सीटों पर हुए मतदान के परिणाम आने में चंद घंटे ही बाकी हैं, मगर परिणाम से पहले ईवीएम पर कोहराम मच गया है। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि ईवीएम में बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसीलिए स्ट्रांग रूम के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जम गए। दिल्ली के चुनावी दंगल में किसकी होगी जीत, किसके सर सजेगा दिल्ली का ताज, दिल्ली किसके हाथ सौंपेगी सत्ता की चाबी, इन सवालों के जवाब ईवीएम में कैद हैं और उसी ईवीएम पर कोहराम मचा हुआ है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने आम आदमी पार्टी की इच्छाओं को पंख लगा दिए हैं। उसे लगता है कि अब किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसे लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए वो जहां जहां भी ईवीएम रखे हुए हैं वहां वहां अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात कर रही है। देखिए, उत्तरी दिल्ली के भरतनगर स्ट्रांग रूम के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। ये लोग स्ट्रांग रूम के बाहर और भीतर होने वाली हर हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। रात भर जागकर ये स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आशंका है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सीधा आरोप बीजेपी पर है। इस वक्त हम भारत नगर के स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तस्वीर आपको दिखा दें। तमाम लोग अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका ये आरोप भी है कि ईवीएम के साथ क्या छेड़छाड़ हो सकती है, तो ऐसे में यहाँ पर तैनाती की गई है तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्षितिज तिवारी। क्षितिज, मुझे बताइए कि यहाँ पर आप क्यों खड़े हैं और किस तरह से निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस हम देख रहे हैं यहाँ पर तैनात है, तो ऐसे में आपका क्या रोल है यहाँ पर? सर, आप इतनी दिल्ली से न्यूज आ रही है कि बस ईवीएम की बस को उतारना कहीं होता है, स्ट्रांग रूम में लेके जाना होता है, उससे पहले ही उतार देते हैं, ईवीएम को कहीं और लेके चल जाते हैं, तो हमें तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर। कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक उतर सकते हैं। ये आरोप भी है क्योंकि हर पार्टी अपने अपने दावे भी करती है कि इसको कितनी सीट आएगी, लेकिन आप लोग किस तरह से यहाँ निगरानी रख रहे हैं, क्या तरीका है आपका? हम 24 घंटे रुके हुए हैं यहाँ पर, दिन रात रुके हुए हैं, टीम हमारी है, बिल्कुल देख रहे हैं कौन व्हीकल अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, उसको हम चेकिंग कर रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो यही हम कर रहे हैं। 24 घंटे रुके हुए दिन रात। तो ये आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता है जो स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं और अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग आदर्श नगर विधानसभा से भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारत नगर का ये स्ट्रांग रूम है और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की सुरक्षा में चूक हो सकती है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया गया और उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। भरत नगर के स्ट्रांग रूम के बाहर अलग अलग विधानसभाओं से आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हैं, क्योंकि उनके आलाकमान ने शक जता दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है और परिणाम बदले जा सकते हैं। कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, ये चेकिंग कर रहे हैं या चेकिंग नहीं कर रहे हैं गाड़ियों की, वो हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी कोई बिना परमिशन के अंदर ना जाए। अंदर जाने के बाद वो बाहर आ रही है तो उसमें ईवीएम है या नहीं है या कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसकी निगरानी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एजेंट जो है वो अंदर जा सकते हैं, वो स्ट्रांग रूम में जाके चेक भी कर रहे हैं बाहर तक कि कोई दिक्कत तो नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये शक तब से गहरा हुआ है जब से आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है या की जा सकती है? पूरी दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है, हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितना मतदान हुआ ये तो बताओ, लेकिन 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव आयोग मत का प्रतिशत बताने के लिए तैयार नहीं कितना मतदान हुआ। इसका मतलब कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ दाल में काला है। अकेले संजय सिंह ही नहीं, आपके ज्यादातर नेता ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका से ग्रसित हैं। तो देखो, एक ही तरीका बचता है कि ये मशीनें और वीवीपैट मशीनें बदलना दे, तो उसको बदलने नहीं दिया जाएगा। वहां पर चादर से पहरेदारी की जाएगी और हमने दूर दूर तक भी लोग अपने बिठा रखे हैं जो कि घरों के अंदर हैं, इधर उधर हैं, जो वीडियो कैमरे लेके बैठे हुए हैं, जो कर रहे हैं कि भाई ऐसे पता लगे कोई भी संशय वाली चीज होगी तो उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए कि भाई कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी है तो उसको हम तुरंत उसके ऊपर।
आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो ईवीएम में छेड़छाड़ करा सकती है, मगर बीजेपी उतनी ही शक्ति से करारा प्रहार आम आदमी पार्टी पर कर रही है। अरे भाई, हम तो यही बोल रहे हैं कि ईवीएम करोना क्यों रहे हो। मैंने आप अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो ईवीएम ठीक है, बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब है। झारखंड में हम नहीं जीत पाए बीजेपी वाले, तो हम ईवीएम को दोष दिए हैं क्या? अपने कर्मों को दोष दो भैया, जो भी होगा आपके कर्मों को या तो दोष देने वाला होगा या तो आपके कर्म अच्छे होंगे। परिणाम आने में अब गिने गिने कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, उससे लग तो यही रहा है कि अगर परिणामों में कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो ईवीएम पर हंगामा होना तय है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आपके वॉलंटियर 6-6 घंटे की शिफ्ट लगाकर ड्यूटी दे रहे हैं, वो हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग पूर्वी दिल्ली स्थित खेल गांव में बने काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आप यहां पर देखिए, गेट लगा हुआ है, गेट पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहां गेट पर सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अंतर जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर काउंटिंग होनी है, वहां पर भी सुरक्षाकर्मी इसी तरीके से मौजूद हैं। बाकायदा एक एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। ईवीएम को पहुंचाने की शुरुआत से लेकर आखिरी तक की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं वहां पर राउंड द क्लॉक सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा आप देखिए, जो गाड़ियां यहां से एंट्री कर सकती हैं उन सबके यहां पर नंबर और अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं कि सिर्फ यही गाड़ियां अंदर यहां से जा सकती हैं और किस अधिकारी की वो गाड़ी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस है, ये पीसीआर आपकी वैन यहां पर दिख रही है जो यहां पर पहुंची हुई है, तो लगातार दिल्ली पुलिस यहां पर नजर रखे हुए है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार इस तरीके के जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाने शुरू किए, गड़बड़ी की आशंका जताई, उसके बाद यह भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो तमाम स्ट्रांग रूम है, जो काउंटिंग सेंटर है, उसके बाहर मौजूद रहेंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ सुरक्षाकर्मी है, फिलहाल किसी पार्टी का कोई भी वॉलंटियर यहां पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन अशोक चतुर्वेदी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी आशंकित है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दो वीडियो ट्वीट करके ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईवीएम वाला डर कुछ ज्यादा ही सता रहा है। ये है वो दोनों वीडियो जिसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके आरोप लगाया था कि दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को बदलने की कोशिश हो रही है। संजय सिंह ने इन दोनों वीडियो को ट्वीट करके ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। इन दोनों वीडियो को आप भी ध्यान से देखिए। पहला वीडियो किसी व्यस्त चौराहे का लग रहा है। यहाँ वीडियो में डीटीसी बस से उतरते कुछ लोग दिख रहे हैं, इनके हाथ में ईवीएम है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये चुनाव ड्यूटी से लौटे कर्मचारी हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम जमा कराने जा रहे हैं। लेकिन संजय सिंह का आरोप है कि जिस जगह का ये वीडियो है वहां आसपास कोई सेंटर नहीं है। मतलब संजय सिंह को इस वीडियो में साजिश दिख रही है, उन्हें लगता है कि ईवीएम के साथ कुछ तो गड़बड़ की जा रही है। दूसरे वीडियो में एक शख्स ईवीएम सहेजते दिख रहा है, उसके गले में चुनाव आयोग का पहचान पत्र है, साथ में पुलिस वाले भी हैं। संभावना तो यही है कि ये कर्मचारी वोटिंग के बाद ईवीएम जमा करने की तैयारी में है। लेकिन संजय सिंह का आरोप है कि इस कर्मचारी के पास रिजर्व ईवीएम थी जिसे वक्त पर जमा नहीं कराया गया। एक वीडियो आया जिसमें लोग ईवीएम को लेके निकल रहे हैं और वो चुनाव का सेंटर नहीं है, तो आप सवाल नहीं पूछेंगे? आप चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहेंगे? आपने तो बाकायदा कार्यकर्ताओं को डिप्लॉय कर दिया स्ट्रांग रूम के बाहर। करना चाहिए, पहले भी हमने किया था। स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी करना हमारा अधिकार है। यानी संजय सिंह इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आशंकित हैं कि
कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली का जो भविष्य निर्धारित किया है उस भविष्य को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता गोपाल राय भी लगा चुके हैं। सरस्वती विद्या निकेतन पोलिंग स्टेशन पर अधिकारी खाली ईवीएम के साथ पकड़ा गया है। पब्लिक उनको घेर करके बैठी हुई है और अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये खाली ईवीएम लेके कहाँ जा रहा है। इसलिए ये मन में सभी लोगों के मन में पब्लिक के मन में सवाल पैदा हो रहा है। अभी हम लोगों ने बैठ करके स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए योजना बनाई है और पूरी तरह से पार्टी पर निगरानी रखी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दावा किया है कि वो 48 सीटें जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी ईवीएम का रोना बंद करे। बस यही बात आम आदमी को खाए जा रही है। मनोज तिवारी खुद ही कह रहे हैं ईवीएम का रोना मत रोइए। मुझे पता चला अभी अमित शाह जी ने भी कोई बयान दिया है। तो ईवीएम का रोना मत रोइए तुम क्यों कह रहे हो भाई? कुछ घपला घोटाला दाल में काला कर रखा है तो पहले से ही बता दो, जान जाएंगे हम लोग। ईवीएम शुरुआत से ही राजनीतिक दलों के निशाने पर रही है। खासतौर पर चुनाव हारने वाले दलों को इस पर सबसे ज्यादा अविश्वास रहा है। लेकिन 2014 के बाद से बदले राजनीतिक माहौल में ये अविश्वास और ज्यादा गहराता गया। पंजाब में चुनाव हारने पर आम आदमी पार्टी ने तो ये तक आरोप लगाए थे कि कांग्रेस को जानबूझकर जिताया गया ताकि किसी को सत्ताधारी पार्टी पर शक न हो। और एक बार फिर दिल्ली में परिणाम से पहले ईवीएम का राग ऊंचे सुर में गाया जा रहा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आपको दिखाते हैं कि ईवीएम जहां रखा जाता है वहां की सुरक्षा कैसी होती है और आपके सवालों पर क्या कहा चुनाव आयोग ने। आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर बेशक तनाव में है, मगर आप देखिए कि जहां ईवीएम रखी जाती है वहां की सुरक्षा कैसी होती है। मैं जहां पर हूं ये नई दिल्ली का इलाका है और मेरे ठीक पीछे जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं इसमें पटेल नगर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, आरकेपुरम और ग्रेटर कैलाश, ये 6 विधानसभाओं की जितनी ईवीएम मशीनें हैं उनको ठीक मेरे पीछे यहां से 50 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मुझे खुद इस बैरिकेड के आगे जाने की इजाजत नहीं है। वहां आप नीला रंग का बोर्ड देख पा रहे हैं, ठीक उसके पीछे ब्लॉक है, स्कूल है, जहां ईवीएम रखे गए हैं वहां की सुरक्षा दिखाने के लिए भी मैं इस बैरियर के आगे नहीं जा सकता। इसके पीछे रेसिडेंशियल इलाका है, लेकिन हमें सर ये बताइए इसके आगे कौन कौन जा सकता है? जहाँ रहता है रहने वाला जिसका रेसिडेंशियल है वही जा सकता है, बस उसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं जा सकता। अंदर किसी का अलाउड नहीं बाहर का, यानी ईवीएम की सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ जी, उसके परिपूर्ण मुस्तैद। पहला जो घेरा आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस का है, यहाँ बैरिकेड है, ठीक इसके आगे एक और चौकी है, यहाँ पर आईआरबी यानी ये आप समझिए कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं आर्म्ड हैं और वो वहां पर कैंप लगा के यानी एक मोर्चा वहां बनाया गया है। और इसके आगे जैसे आप जाते हैं अगले 50 मीटर की जो परिधि है उसमें सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अंदर रिहायशी इलाका है लेकिन जो भी गाड़ियां जा रही हैं हर किसी की बाकायदा तलाशी होती है, उनसे पूछताछ होती है, आईडी चेक किया जाता है और उसके बाद ही वो अंदर जा पाते हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी आशंकित है। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया। इसकी डिटेल जांच हुई है और ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में और सभी कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में उसकी जांच की गई और पाया गया कि वो जो मशीन है वो रिजर्व मशीन थी और सेक्टर ऑफिसर रिजर्व मशीन को पोल के बाद उसमें वोटिंग कुछ हुई नहीं थी, वो तो रिजर्व मशीन थी अनयूज्ड, तो वो उसको लेके वापस जा रहे थे। उस वक्त लोगों ने सोचा कि ये पोल्ड मशीन को कहीं लेके जा रहे हैं तो इसलिए ये शक हुआ, लेकिन उसकी जांच की गई सबके सामने और बिल्कुल सही पाया गया उसमें कोई किसी किस्म की। तो संजय सिंह जिस वीडियो को दिखाकर आशंका जता रहे थे उसका समाधान चुनाव आयोग ने कर दिया। मगर चुनाव आयोग पर सवाल यहीं खत्म नहीं हुए, सवाल ये उठे कि दिल्ली में चुनाव हुए मगर मतदान कितने प्रतिशत हुआ, इसका सही सही आंकड़ा चुनाव आयोग क्यों नहीं दे सका? दाल में क्या काला है, क्या गड़बड़ी है उन्हें बताना चाहिए। मतदान का प्रतिशत बताने में क्या विलंब है मुझे बताइए। बूथ पे कर्मचारी होते हैं, उनको पता होता है कितना परसेंट वोट पड़ा, वो आंकड़ा चुनाव आयोग को देते हैं,
एक घंटे का काम है, सारे 70 विधानसभाओं के सारे बूथों का डिटेल निकाल के बता दीजिए इतने परसेंट। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए तो चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई। सफाई के साथ चुनाव आयोग ने मतदान का फाइनल आंकड़ा 62.59% बताया। पहले चुनाव आयोग ने तत्कालिक आंकड़ा दिया था जो 61.46% था, यानी इन आंकड़े में 1% की बढ़ोतरी हो गई। मगर सवाल जस का तस बना हुआ था कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हर सुविधा और जरूरी तंत्र है, तो फिर आंकड़ा बताने में चुनाव आयोग को इतनी देर क्यों लगी? जवाब सुनिए। किसी के यहाँ 11 बजे स्क्रूटनी थी, किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11.30 बजे स्क्रूटनी थी, कहीं 2 बजे या 3 बजे भी स्क्रूटनी थी, तो अलग अलग स्केड्यूल था स्क्रूटनी का, और वो सब काम चल रहा था साथ के साथ। ये जो डेटा है, क्योंकि जो ये डेटा है ये आता है पोलिंग स्टेशन से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो डेटा सबमिट करते हैं फॉर्म 17C, उसके आधार पर फिर सिस्टम में इस डेटा को डाला जाता है। तो देर से ही सही, मगर चुनाव आयोग ने ईवीएम और मतदान प्रतिशत के आंकड़े में देरी पर उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया। अब इंतजार है परिणामों का। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त अक्षरधाम में स्थित एक स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है। अरविंद, ये बताइए वहां पर किस तरह की सुरक्षा है, किन किन लोगों को वहां पर अंदर जाना अलाउड है, और बाहर क्या आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए नेहा, ये राष्ट्रमंडल खेल के पास मौजूद स्ट्रांग रूम है। अगर आप देखें यहाँ पर तो बाकायदा एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है, और जिसके पास इलेक्शन कमीशन का पास है उसको ही इस गेट से एंट्री दी जा रही है। CRPF के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है स्ट्रांग रूम को सुरक्षित रखने के लिए। और बाकायदा आप अगर देखें गेट के बाहर, यहाँ इस गेट के बाहर लिखा हुआ है नो एंट्री, यानी किसी की एंट्री ही नहीं है। और ये देखिए मेन गेट है, यहाँ पर बाकायदा एक एक शख्स जो बैग लेकर आ रहा है उसके बैग की बाकायदा यहाँ पर अगर आप देखें तो तलाशी ली जा रही है। और सुबह के वक्त अब से कुछ देर पहले यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ थी, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाका भी अंदर पड़ता है, लेकिन चूंकि उनके पास इलेक्शन कमीशन का पास नहीं था लिहाजा उनको यहां से एंट्री नहीं दी गई। सिर्फ एक एंट्री खोली गई है रेजिडेंशियल, जो यहां पर रहते हैं लोग, उसके लिए, उन लोगों के लिए यहां पर एंट्री खोली गई है। लेकिन उसके अलावा जितने लोग हैं उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है अगर उनके पास इलेक्शन कमीशन का पास नहीं है। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस के जवान है, वो बाकायदा मोबाइल से लेकर उनके बैग तक की तलाशी ले रहे हैं। CRPF के जवान है, इसके अंदर एक गेट और है, वहां पर एक लेयर की सिक्योरिटी है, उसके अंदर एक गेट है जहां पर जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिसके अंदर लोगों का जो वोट है वो ईवीएम में कैद है। तो पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है और एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है, और गाड़ियां तो बिल्कुल एंट्री उनकी बैन है। अगर आप ये देखिए, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के जवान ने बैन। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह की सुरक्षा स्ट्रांग रूम के बाहर है, किस तरह के लोगों को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।